हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सैलरी स्लिप की सीरीज़ में आज मैं आप सभी के साथ लेके आई हूँ एसबीआई क्लर्क सैलरी स्लिप आफ्टर 5 ईयर्स। अगर आपको एज एसबीआई क्लर्क ज्वाइन हुए 5 साल हो गए तो आपकी सैलरी कितनी होगी, कितना इंक्रीज़ होता है ये ओरिजिनल सैलरी से। जो इसकी न्यू जॉइनिंग की सैलरी स्लिप है वो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ अपनी यूट्यूब चैनल पर, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप वहाँ से कंपेरिजन कर सकते हैं कि 5 ईयर्स के बाद एसबीआई क्लर्क की सैलरी कितनी होती है। तो उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि अभी एसबीआई क्लर्क 2022 का नोटिफिकेशन आने वाला है और एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है उन एस्पायरेंट्स के लिए जो एसबीआई क्लर्क का फॉर्म होता है या किसी भी एग्ज़ाम का फॉर्म होता है अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो गाइडली उनके लिए एक बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव लेके आया है, स्कॉलरशिप लाइव टेस्ट। इस टेस्ट में अगर आप एनरोल करेंगे तो इसकी जो स्टार्ट डेट है वो ऑलरेडी हो चुकी है, 6 मई से ये स्टार्ट हो चुका है। इसकी जो लास्ट डेट है वो 15 मई है। इसका फिर एडमिट कार्ड भी रिलीज़ होगा, जैसे एक नॉर्मल एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड रिलीज़ होता है, तो इसका जो 18 मई है उसको एडमिट कार्ड आ जाएगा और इसका जो लाइव टेस्ट है वो 22 मई को होगा। इसको आप लैपटॉप से या फिर डेस्कटॉप से प्रेफरेबली एक्सेस कर सकते हैं, मोबाइल से इतना अच्छे से एक्सेस नहीं हो पाएगा। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि इसमें वो टॉप 100 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करेंगे और उसका फिर इंटरव्यू भी होगा और इंटरव्यू में उनका बैकग्राउंड चेक करेंगे कि अगर वो सच में अफोर्ड नहीं कर सकते एग्जामिनेशन फ़ी, तो गाइडली उनकी आप सभी की एग्जामिनेशन फ़ी 100 स्टूडेंट्स की पे करेगा। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये एसबीआई क्लर्क के लिए अभी इन्होंने स्टार्ट की। आने वाली फिर जो भी एग्ज़ाम्स आएगी उसमें भी ये लाइव टेस्ट कंडक्ट करेंगे। इसकी भी मैं जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दी, आप ज़रूर वहाँ पर एनरोल कीजिए क्योंकि इसमें अगर आप अच्छी तैयारी किए हुए हैं तो आपका जो फॉर्म है वो फ्री हो जाएगा और आप, कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इतना महंगा फॉर्म अफोर्ड नहीं कर पाते, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब हम शुरुआत करते हैं एसबीआई क्लर्क की सैलरी से, ग्रॉस अर्निंग से। तो जो ग्रॉस अर्निंग्स आफ्टर 5 ईयर्स से बेसिक पे होगा 26,080 रुपीज़। जो डीए है ये सैलरी अप्रैल 2022 की है, तो इसमें डीए है 11,030 रुपीज़। एचआरए दैट इज़ हाउस रेंट अलाउंस है 2,929 रुपीज़। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 600 रुपीज़। स्पेशल अलाउंस 4,277 रुपीज़। और एक स्पेशल पे न्यू आया है ये है 2,500 रुपीज़। तो जब हम इन सभी ग्रॉस अर्निंग्स का टोटल करेंगे तो ये होगा 47,417 रुपीज़। और यही सैलरी जब मैंने न्यू जॉइनिंग की शेयर की थी तो वो अप्रॉक्स 32,500 थी। तो आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस आता है आफ्टर 5 ईयर्स आपकी ग्रॉस अर्निंग्स में। अब हम डिडक्शंस की बात करें तो एम्प्लॉय पीएफ कंट्रीब्यूशन में 2,858 डिडक्शन है, कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड में 3,800, एंड अगर आप बैंक के यूनियन में तो उसका भी अप्रॉक्स 100 रुपीज़ डिडक्ट होता है। तो जो टोटल डिडक्शन है वो है 6,759। तो जो टेक होम पे बनेगी वो होगी 40,658 रुपीज़। इस सैलरी स्लिप में फेस्टिवल एडवांस भी शो किया है, लेकिन वो आपके ऊपर ही कि आप लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। फेस्टिवल एडवांस ये होता है कि आपको ग्रॉस सैलरी एक साथ मिल जाती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपकी मान लीजिए 50,000 ग्रॉस सैलरी है तो आपको एक साथ मिल जाएगी और फिर हर महीने विदाउट एनी इंटरेस्ट वो डिडक्शंस होते हैं। तो ये इसीलिए मैंने यहाँ आपको नहीं बताया है, इसीलिए टेक होम पे 40,658 है, जो बहुत ही अच्छी सैलरी है क्योंकि इनिशियली अगर आप न्यू जॉइन थे तो ये अप्रॉक्स 27,500 होती थी, लेकिन 5 साल बाद ये 40,000 लगभग हो गई है। अब हम बात करें अलाउंसेस की, तो अलाउंसेस तो ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं। पेट्रोल 20 लीटर्स मिलता है, न्यूज़पेपर के लिए 360 रुपीज़ पर मंथ मिलता है, एंटरटेनमेंट अलाउंस भी 360 रुपीज़ पर मंथ मिलता है। तो जो मंथली अलाउंसेस है अगर हम उन्हें देखें तो 2,720 होता है, और जो मेडिकल है वो एनुअल मिलता है 2,355 रुपीज़। उसके अलावा काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ मिलती है, जैसे फेस्टिवल एडवांस मिलता है, LFC मिलता है, और अगर आप बैंक में कैश ऑफिसर हैं तो उसका भी अलग से आपको एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है। अगर आप डेप्यूटेशन पे जाते हैं तो उसका एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है, तो ये काफ़ी सारे एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी मिलते हैं। अब हम एनुअल CTC अगर कैलकुलेट करें आफ्टर 5 ईयर्स, तो जो ग्रॉस अर्निंग्स है 47,417 × 12 दैट इज़ 5,69,004 रुपीज़। NPS एम्प्लॉयर भी उतना ही कॉन्ट्रीब्यूट करता है, तो 3,801 × 12 45,612 रुपीज़।
मंथली अलाउंस से 2720, इसे हम इंटू 12 करेंगे तो होगा 32,640 रुपीज़, और एक एनुअल अलाउंस है 2355 का। तो जब हम इन सभी का टोटल करेंगे तो हमारी एनुअल सीटीसी बनती है अप्रॉक्स 6.5 लैक्स, जो एक बहुत ही अच्छी सैलरी है। 5 साल के बाद, अगर 5 साल तक एसबीआई क्लर्क रहते हैं, और इस सैलरी में जीआईबी और सीआईबी क्लियर नहीं है। अगर किसी एसबीआई क्लर्क ने जीआईबी और सीआईबी भी क्लियर किया होता तो उसको इस सैलरी में 3 इंक्रीमेंट और लगते हैं, तो आप सोच लीजिए कि कितना इंक्रीज हो जाएगी सैलरी। न्यू जॉइनी की सैलरी अप्रॉक्स 4.5 लाख होती है, 4.5 लाख, लेकिन आफ्टर 5 ईयर ये 6.5 लाख हो जाती है। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। काफ़ी सारे लोगों का ऐसा होता है कि हम प्रमोशन नहीं लेंगे, हम क्लैरिकल में ही खुश हैं। बहुत सारे लोग क्लैरिकल में ही खुश रहते हैं, तो इसीलिए उनकी सैलरी आफ्टर 5 ईयर्स अप्रॉक्स इतनी होती है। इसके बाद IBPS क्लर्क की आफ्टर रिटायरमेंट तक कितनी सैलरी हो जाती है, ये वीडियो में मैं आपके साथ जल्दी लेके आऊँगी। उसमें मैं शेयर करूँगी कि आफ्टर 30 ईयर्स या रिटायरमेंट तक IBPS क्लर्क की सैलरी कितनी होती है। तो आप वो वीडियो भी देखना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।